IPL इस बार बड़ा प्रिडिक्टेबल हो चुका है। तीन टीम तो भाई जा चुकी है ऑलमोस्ट, मतलब ऐसा कुछ ना होना तो जा चुकी है, बट CSK, LSG और GT या MI या DC भी मान लो, इसमें से कौन सी एक ऐसी टीम बनेगी जो चौथा पोजीशन लेगी? वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है स्पोर्ट्स ज्ञानी यूट्यूब चैनल। कल मैच था CSK वर्सेस LSG। LSG पहले भी हरा चुकी है अपने स्टेडियम के अंदर, फिर घर पे जाके मारी चेन्नई सुपर किंग्स को। अभी इस मैच में कहोगे यार दो पहलू हैं। पहले तो लग रहा था कि यार जब टॉस जीत के बैटिंग करने उतरी CSK 210 212 214 अच्छा टोटल्स बना ली, बट इस टोटल में 10-20 रन शॉर्ट भी रह गए। मुझे जो लगता है आपको भी लग रहा होगा ऐसा, क्यों? क्योंकि आप शिवम दुबे ने अच्छा बैटिंग किया, शिवम दुबे के बाद आपके चाहे डैरन मिचल हुए, अरहाने हुए, रविंद्र जडेजा की बैटिंग की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी खास नहीं रही, वो जैसा करना चाहिए था वो उस तरह से कर नहीं पाए, प्रॉब्लम हुई। अच्छा टोटल तो आपके रुतराज गायकवाड़ जो कि एक सेकंड गजब की इनिंग नॉक खेली और उन्होंने मतलब एक सेंचुरी मारा, फिर उसके बाद शिवम दुबे की एक हाफ सेंचुरी खतरनाक आई, इन दोनों के बाद जो चीज़ें हुई ना वो मैं बात करता हूँ। अब देखिए जब इसके बाद इतना रन बन गया तो लग रहा था कि CSK जीत जाएगी, बट पिच में ड्यू था तो भाई ड्यू जब बैटिंग करने, बट बॉलिंग भी अच्छा शुरू हुई। दीपक चाहर ने जैसे क्वांटन डी कॉक को बोल्ड मारा, उसके बाद एक विकेट और गिरा, पथिराना ने आउट किया, उसके बाद जो कहानी शुरू हुई निकोलस पूरन और आपका स्टोनिस के बीच, स्टोनिस की गजब की नॉक, गजब वन ऑफ द बेस्ट नॉक और IPL के में उनका सबसे सर्वश्रेष्ठ स्कोर है, और चेज करते हुए भी इतना बड़ा स्कोर टोटल उन्होंने बना डाला और अकेले दम पर यार इस मैच को उन्होंने निकाल के रखा। तो मैं यहाँ पे देखो यार स्टोनिस ने अच्छा बैटिंग की, फिर हम आपके पूरन ने अच्छा किया, उसके बाद आपके दीपक हुड्डा ने बैटिंग अच्छी की, और उसके बाद मैं बात करूँ तो यार देखो कुछ गलतियां रही हैं। देखो दीपक चाहर की चार ओवर थे, दो ओवर कराए वहां पे, हमको पहले जब लग गया कि मैच हार रही है, जब 15वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को बॉलिंग दिया गया, शार्दुल ठाकुर को उस ओवर में अच्छी ठुकाई की पूरन ने, तो वहीं से मैच समझा कि ख़त्म कर दिया पूरन ने, चूरन दे दिया CSK को। और कैप्टनसी भी थोड़ी बहुत मुझे लगी दोनों की कैप्टनसी, KL राहुल की भी बैटिंग उतनी खास नहीं रही जैसे वो बैटिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता अनप्रिडिक्टेबल उनकी बैटिंग हो चुकी है, और बट हाँ स्टोनिस की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग। अब देखो यार ये तो चीज़ें ठीक है, अब तो भाई अब देखो CSK पाँचवें पर पहुँच चुकी है और LSG चौथे पर पहुँच चुकी है, क्योंकि 8 में से 5 जीती है और 8 में से 4 आपकी CSK जीती है। अब देखो इसमें क्या हो गया है कि यार अब इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा ये हो गई। देखो टॉप की 3 टीम तो भाई अच्छा कर रही है, 8 में से कोई 6 जीता है, कोई 7 में से 6 जीता है, कोई 8 में से 5 जीता है, तो ऐसे करके टॉप 3 राजस्थान, आपके हैदराबाद और KKR, बाकी जो नीचे की टीम है उनमें दिक्कतें क्रिएट हो सकती हैं। अभी भी ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि LSG क्वालिफाई कर लेगी, CSK कर जाएगी, या आपकी क्या कहते हैं GT कर जाएगी। अभी तीसरे चौथे पायदान के लिए अभी भी लड़ाई लास्ट तक चलेगी मुझे लगता है, और लास्ट में यही होगा कि रन रेट हो किसका बेटर है, मुझे लगता है अभी होगा। अभी IPL का हाफ फेज हुआ है, हाफ फेज बाकी है, तो आप लोग क्या लगता है कि चौथी टीम कौन सी हो सकती है आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग तो भाई मुझे लगता है कि CSK कर जाएगी क्वालिफाइड। LSG का मैच जैसे है वैसे देखना पड़ेगा, बाकी यार आपको मैच क्या बैटिंग की है दोनों, यार एक तरफ से रुतराज गायकवाड़ की इनिंग देख लो, एक स्टोनिस की इनिंग देख लो, क्या मारता है बंदा, पावर हिटिंग जो पावर होती है ना हाथों में, क्या जनरेशन करता है यार, गजब की बैटिंग, मज़ा आ गया देख के यार। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख लिए सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।